तो बुड्ढी को छोड़ने जा रहा हूँ, बहने भी जा रही है, एक बड़ी वाली बहन। सो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम, आज काफी जल्दी उठ गए थे सुबह सुबह, यानी कि 4 बजे के लगभग, और सुबह सुबह तैयार हो चुके हैं। दरअसल आज मुझे जाना है बुड्ढी को कोटद्वार छोड़ने के लिए, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो चाचा आ रहे हैं ना कोटद्वार तक लेने के लिए, तो वहाँ पर छोड़ने जा रहा हूँ। और साथ में आज बहनें भी जा रही हैं, बहनें तो दरअसल अभी चली गई हैं, रोड में मिल जाएंगी मतलब। और केशव देखो, केशव आज उदास हो गया, उसको समझ में आ गया है कि आज बहनें भी चली गई ना, कल तक उसके साथ में खेल रही थी, तो आज वो भी देखो कैसा शांत बैठा पड़ा है। बाकी मौसम की बात करूँ, मौसम काफ़ी अच्छा, सुबह सुबह इतनी ज़्यादा ठंड है नहीं। तो अभी ऐसा करते हैं कि चलते हैं और सीधा नीचे रोड में मिलते हैं। तो मुझे लग रहा था दरअसल कि गाड़ी आ गई होगी, लेकिन अभी गाड़ी नहीं आई है, शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि जो बुक करके ना यहाँ से कोटद्वार के लिए। तो बुड्ढी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो बुड्ढी को एक आध महीने के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, दरअसल चाचा अपने साथ में लेके जा रहे हैं ना। तो बुड्ढी को छोड़ने जा रहा हूँ, साथ में बहनें भी जा रही है, एक बड़ी वाली बहन और एक छोटी वाली, तो इसका नाम मैंने गिंडुड़ी रखा है, गिंडुड़ी। देख रहे गिंडुड़ी, ए गिंडुड़ी हट, चल गिंडुड़ी, केसी का दोस्त है ये। दरअसल हमारे साथ में ना वहाँ तक चल लेंगे, कहाँ तक, किरखू तक है ना, वहाँ से ये है तो वहाँ तक चल लेंगे। और वो देखो थैले, देखो भाई थैले कितने सारे ला रखे हैं, अच्छा एक ही है ना अपना वाला, ठीक है बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं टैक्सी का, फिर टैक्सी में निकलेंगे, टैक्सी मतलब जो गाड़ी बुक करके उसमें निकलेंगे फिर। चल हट जा, चल हट, खुद भाई घर से चले और सीधा कोटद्वार अभी पहुंचने वाले हैं, यहाँ से बस 9 किलोमीटर बचा कोटद्वार, जो भी है बढ़िया। दरअसल बुड्ढी की तबीयत ना थोड़ा सा ख़राब भी हो गई, गाड़ी में बिल्कुल ही ऐसा हो जाता ना कि गाड़ी में जैसे ट्रैवल करें ना, तो गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर पाती है, तो एक आदमी चाहिए ही चाहिए बुड्ढी को साथ में ना। तो अभी थोड़ा सा मतलब सो रखी है, और थोड़ी देर में हम भी पहुंचने वाले हैं, यहाँ से वैसे 8-1 किलोमीटर बचा होगा बस। तो कोटद्वार में तो भाई पूरा का पूरा कोहरा लगा है, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत धूप दिख भी रही है ना, कोटद्वार में तो मुझे नहीं लग रहा है कि धूप दिखेगी भी। बाकी चाचा और भी गाड़ी लेके पहुँच गए, वहाँ पर बिठाएंगे और हम तुरंत दरअसल वहाँ से वापस आएंगे, टाइम से हम लोग भी घर पर पहुँचेंगे ना, फिर अपना काम धाम करेंगे। जैसे जैसे कोटद्वार आ रहा है वैसे वैसे धुंध भी बढ़ती जा रही है, वैसी है देख रहे यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे धुंध नहीं छंटती है कभी, जैसे जैसे कोटद्वार वैसे धुंध का कहर बढ़ता जा रहा है। ये देखो धुंध क्या खतरनाक लगी यहाँ पे, बाकी बुड्ढी का ना हाथ दरअसल कुछ अभी परसों गिरी थी, तो अभी कच्चा प्लास्टर लगा रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हाथ फ्रैक्चर हो गया था दरअसल, तो थोड़ा दिन चाचा औरों के साथ रहेगी ना वहाँ पे, अच्छा हो जाएगा मतलब। तो दोस्तों भाई पांग गांव के सामने पहुँच गए हैं, जो भी है भाई मज़ेदार, आज कोटद्वार से आ गए, वहाँ पे पूरी की पूरी धुंध लगी थी, बुड्ढी को छोड़ के घर पे आ गए, घर पे नहीं पहुंचा अभी, अभी यहाँ से 7-1 किलोमीटर और जाना है अपने को आगे, लेकिन जो भी है भाई अमेजिंग। बाकी मौसम की बात करो तो मौसम यार बिल्कुल कोहरा कोहरा हो रखा है, चारों तरफ कोई फर्क नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल धुंध धुंध सी हो रखी है। शाम के वैसे 4 बज रहे हैं, और 4 बजे भाई वैसे मैं यहाँ पर पहुँच तो गया था लगभग 1:30-2 बजे के राउंड में, लेकिन एडिटिंग में और इन सब चीज़ों में टाइम निकल गया ना कहीं ना कहीं। तो अभी ऐसा करते हैं घर निकलते हैं अब टाइम से, और थोड़ा बहुत घर पर काम धाम करते हैं, थोड़ा बहुत दिखाते हैं, और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फिर बाइक में भी थोड़ा बहुत सब्जी लटका रखी है मैंने, और उसके बाद में सीधा घर निकलते हैं अब। तो दोस्तों भाई घर पे पहुंच गए हैं, थोड़ा सा गांव में घूम रहे हैं, और गांव के हालचाल देखो भाई, शाम की धूप ना कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी। जो भी है मज़ेदार रहा वहां पे जाना, और साथ में बुड्ढी को छोड़ के वहां से आना, मतलब अच्छी चीज़ ये है कि टाइम से पहुँच गए भाई, ये अच्छी चीज़ है। तो घर पर पहुँचने के बाद में सीधा आके पहुँचे हैं खेत में, यहाँ पर खेत की गुडाई चल रही है, यानी कि आज जो प्याज और ये सब वगैरह वगैरह है ना, इसको गोड़ा जा रहा है। हाँ कन ठीक थे सर, अच्छा नीचे, तो यहाँ पे इस प्याज की ना गुडाई चल रही है, और कल इस वाले पेड़ के दरअसल माल्टे तोड़े थे हमने। ठंड की बात करूँ तो ठंड इतनी है नहीं कोटद्वार में, मुझे यहाँ से ज़्यादा ठंड लगी, और बॉडी भी आ गई देखो, घास लेके अपने बकरे के लिए हाँ ये भी है हाँ, और ये अपना निमदरी ख्वाल, तो निमदरी ख्वाल की भाई अलग ही है, फील अलग ही है। तो ये रहा अपना गांव, गांव भी काफ़ी प्यारा और खूबसूरत ना, बिल्कुल अमेजिंग। चलते हैं यहाँ से, चलते हैं उस साइड से, फिर नीचे चलेंगे रोड पे, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, दिखाते हैं आपको गांव, आज गांव ही दिखाएंगे,
कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं आज वैसे भी दिखाने को। तो अपने गांव के पुराने पुराने घर ना, कुछ घर धीरे धीरे बनना भी शुरू हो गए। बढ़िया ना, आ नहीं च उल्टी ना, आ उल्टी आनी चाहिए लेकिन आ नहीं चाहिए। पर वो क्या नहीं दिला बोले, हाँ वो क्या नहीं, तो कोई बात इन पुड़ा के लीग ना, तब ये कुछ लुपुड़े रोल फू। तो दादी हो गए, दादा हो गए, जो बुड्ढी ले गया ना तो दादा की बीवी है, पत्नी है मतलब। तो आज अपने गांव के लोग भाई दमदेवल जा रहे थे सामान लेने के लिए, तो सब लोगों के पास सामान आ गया है, राशन पानी लेके आ गए। महीने में एक बार जाते हैं हमारे गांव के लोग और पूरे महीने का राशन पानी लेके आ जाते हैं। तो अभी प्लान चल रहा सबका ही, कौन किसे लेके जाएगा, कौन किसे लेके जाएगा। तो मैं भी जाऊंगा तो थोड़ी देर में एक कट्टा लेके चले जाऊंगा फिर। बढ़िया भाई। चलते हैं थोड़ा सा उधर से घूम के आते हैं और फिर वहाँ से ऊपर चलेंगे गाँव, गाँव के रास्ते से फिर घर निकल जाएंगे। फिर आज का मौसम बिल्कुल ठंड भरा है, यानी कि आज धूप के आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। दरअसल पूरे एरिया में बादल लगे हैं और बारिश बुरिश हो जाए ना तो अच्छा है यार, क्योंकि पेड़ पौधे सूखना ना शुरू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बारिश की ज़रूरत है। इस बारी ठंड की बात करूँ तो ठंड वैसे नहीं पड़ रही है जैसे पिछले साल पड़ी थी। अभी अपना खाना बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर अभी पापा खाना बना रहे हैं, यानी कि अपना जो आज आलू का थिचौड़ी बन रहा है, साथ में चावल बने हैं और साथ में नहा धो के हम भी तैयार हो चुके हैं। दरअसल आज जाने वाला हूँ मैं दमदेवल, थोड़ा राशन रोशन लेके आते हैं, कुछ काम भी है अपना वहाँ पे, तो उसको भी कंप्लीट करके आते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या बनता है। मौसम काफ़ी प्यारा है, दरअसल ये जो आजकल धुंध हो रखी है ना, धुआं धुआं हो रखा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड बढ़ गई है। और मम्मी लेके आ गई है चाय, देख रहे हैं सुबह सुबह। जो भी है भाई बढ़िया, और चाचा भी आ गए। तो आज चलते हैं थोड़ा सा दमदेवल से होके आते हैं, बाकी पहले चाय पीते हैं और उसके बाद में खाना खा के निकलते हैं। साथ में यहाँ पर एक भाई मिले हैं, तो भाई भाई भी अपनी वीडियोस देखते हैं, तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा। नाम क्या था? विजय। विजय कै गाँव का? कै गाँव का? एकेश्वर ब्लॉक नौगांव। अच्छा नौगांव, तो नौगांव गाँव से है भाई, भाई एकेश्वर ब्लॉक से, जो कि अपना किरकू वाला हिस्सा भी एकेश्वर में ही आता है ना। अच्छा बढ़िया बढ़िया भाई। घर से निकला सीधा के यहीं पर रुका हूँ, तो अभी यहाँ से ना थोड़ा बहुत राशन पानी लूंगा, फिर उसके बाद मैं घर निकलूंगा फिर। तो दोस्तों वही सामान लेके पहुँच गए हैं पिनानी धार में, और पिनानी धार में थोड़ा सा रुके हैं भाई, यहाँ पर शायद पूजा पाठ चल रहा है, कुछ चल रहा होगा, तो ढोल दमाव बज रहे हैं नीचे में, पता नहीं क्या हो रहा है अभी के टाइम पे ना। और अभी यहाँ से सीधा घर जाएंगे, दरअसल आगे ना पिनानी से आगे को रोड हो जाती बहुत ही ख़राब, बहुत ही ख़राब, मतलब कि आजकल रोड बन रही है ना, चौड़ीकरण हो रहा है, यानी कि ये रोड है ना, जो ये वाली रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनती है, तो जैसे ये बनेगी, जैसे ये बनी है ना वैसे ही पूरी की पूरी रोड बनेगी। यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है, अगर अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था, आगे एक भाई ना फरड़ा लेके चल रहा है। को यहाँ के ना जो फॉरेस्ट है ना ये बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बहुत घने हैं, डेंस फॉरेस्ट है। बाकी घर पे चलते हैं, आज काफ़ी टाइम हो गया है आज के दिन के लिए। मैंने दरअसल जिस दिन मैं एक दिन पहले वीडियो दरअसल रिकॉर्ड होती है ना, और अगले दिन रिलीज़ होती है, तो इसमें ऐसा कुछ अभी किया नहीं है, यानी कि एडिटिंग और आज के दिन पे कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है, जो भी है घर पे टाइम से पहुंच के करते हैं भाई। सो दोस्त अपने गांव में पहुंच चुके हैं, शाम का टाइम है, बादल लगे हैं और साथ में अगर बारिश भी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा फिर, तो फिर तो काफ़ी मज़ेदार मौसम हो जाएगा। लेकिन जो भी है दिन काफ़ी अच्छा है, धूप आज ज़्यादा तेज़ थी नहीं, धूप आज कुछ ज़्यादा तेज़ है नहीं, और बादल लगे हैं, चारों तरफ धुंध है, बिल्कुल धुआं धुआं सा मतलब दिख रहा है पूरा का पूरा। सीधा घर पे आए, खाना खुना खाया, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, छोटा सा व्लॉग बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कल से थोड़ा बाहर निकलना शुरू करते हैं, आसपास के एरिया में थोड़ा दिखाना शुरू करते हैं, और उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, है ना। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद है कि आप सभी ने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। मस्ट विजिट ऑन आवर फेसबुक पेज, वहाँ पर 68,000 हमारी फेसबुक फैमिली हो चुकी है, सो वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।